हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग फिर तस्लीम असलम जी के साथ फिर से एक और वीडियो बनाने में आ गए। तो आज वो हमें फिर एक और डेंटल लैब का एक और नया प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। वो शायद उनसे जाने तो ज़्यादा अच्छा है। आइए। ये जो है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि ये दो पार्ट में मशीन है। ये नए लोगों को थोड़ा सा हॉरिबल लगेगा, पता नहीं ये क्या चीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल मशीन। ये बेसिकली आरपीडी और डेंचर जो फ्लेक्सिबल में बनता है उसके लिए ये मशीन यूज होती है। ये दो पार्ट्स में मशीन रहते हैं। ये एक हीटिंग मशीन है और उसके बाद ये इंजेक्ट करने का मशीन है। ये बेसिकली ये दो पार्ट में हम लोग इसका पूरा सेटअप अभी करके रखे हुए हैं, जिसको हम लोग शायद बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड फ्लेक्सिबल मशीन। कई लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन मशीन क्या है, तो हाँ, वो इंजेक्शन मशीन एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारा ये जो रहता है ना, ये फ्लास्क में ये इंजेक्ट होती है। जो कार्टेज इसकी रहती है ना, जो डेंचर की जो मटेरियल रहती है, कार्टेज को जनरली डेंचर का मटेरियल बोलते हैं, वो इसमें इंजेक्ट होती है। इसके लिए इसका इंजेक्ट मोल्डिंग मशीन भी बोलते हैं और ये फ्लेक्सिबल मशीन भी है। अभी हम लोगों ने ये पूरा सेटअप किया है तो मैं आपको बता दूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पावर देंगे, यहाँ से ये पावर दिए और ये ऑन करेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए, ये एक चीज दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें हम लोग कार्टेज रखते हैं। कार्टेज का ऐसा साइकल शेप में रहता है, ये ऐसा जाएगा यहाँ। ये कार्ट्रिज है क्या एक्चुअली, मतलब हम ये कार्टेज जो है एक रॉ मटेरियल है जो डेंचर में, नॉर्मल डेंचर में जनरली लोग एक्रेलिक यूज करते हैं और इसमें लोग कार्टेज यूज करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये हीट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो जब प्रेस होता है फिर कुछ देर कूल होता है, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में आता है। और इसको हम लोग ये कार्ट्रिज इंजेक्ट करके ये हम लोग यहाँ पे तो ये कार्ट्रिज बेसिकली फ्लेक्सिबल जो हम लोग फ्लेक्सिबल रहता है, मीन्स ये कार्ट्रिज ना हार्ड नहीं रहती है। ये पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, यूज करते हैं जो लोग, जो पेशेंट, उनको ज्यादा पेन नहीं होता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं रबर, रबर के जैसा ये रहता है, तो वो काफी सॉफ्ट रहता है। तो इसमें जो है पेशेंट को ज्यादा पेन वगैरह नहीं होता और ये अंडर कट्स वगैरह में काफी अच्छे से जाके अडेप्ट हो जाता है। तो अभी ये देख लिया हम लोग यहाँ कार्टेज के साथ में ये सेटअप कर दिए और ये मेरा फ्लास्क है, फ्लास्किंग के साथ में इसमें मेरा आरपीडी पैक है। अब ये हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे इसको। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी तस्लीम जी सॉरी। ये टेम्परेचर शायद मैं देख रही हूँ बढ़ रहा है, ये 270। ये ग्रेजुअली ये टेम्परेचर ना मोस्टली 280 या 290 तक जाएगा। उसके बाद में ये बटन बंद होती है और ये टेम्परेचर रेज करता है और इसकी टाइमिंग जो है वो अपने पे सेट करने का रहता है। जनरली टाइमिंग जो है वो 15 मिनट्स का रखा जाता है ताकि ये कार्टेज पूरा हीट हो जाए। तो इसके लिए ये 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। तो ये बटन्स हैं, ये प्रेस बटन्स हैं। हाँ, ये प्रेस बटन है। ओके, ये सब बटन प्रेस ओके आउट, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज आपको। हाँ, ठीक है, आप जितना आप चाहो 15 मिनट रख सकते हो, 14 मिनट रख सकते हो, जैसा कार्टेज का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। अब ये रखने के बाद में ये कार्टेज को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से हम लोग इसको ऐसा निकालेंगे, इसके कार्टेज ये पूरा हीट हो जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ से निकालेंगे इसको और ऐसा करके ये थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसा करके यहाँ पे पहले रखेंगे इसको। ये इस पे ये जो बना हुआ होल उस पे ये पूरा 100% फिट हो जाता है और इसको हम लोग ये बीच में से लेके जाएंगे। ये हम लोग अब यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल वे में कर दिए हैं। अब ये हम लोग यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ये घूमेगा और जितने भी कार्टेज का जो लिक्विड फॉर्म है वो नीचे फ्लास्क में आ जाएगा। और ये फ्लास्क में आने के बाद में जो अंदर का आरपीडी हो या डेंचर हो वो शेप में आ जाएगा। ये थोड़ी देर इसको मुझे रोकना है
रोकने के बाद ये थोड़ा सा कूल हो जाए ताकि वो मीन्स अपना सॉलिड फॉर्म में आ जाए. अभी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है क्योंकि ये हीट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसमें आने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ठंडा होने के. अब ये कूल होने के बाद में इसको हम लोग धीरे धीरे ऐसा करके रिमूव करेंगे और ये बहुत इजीली हैंडल हो जा रहा है. और ये हम लोग यहाँ से इसको ये निकाल देंगे. और ये जब ये हीट में गया तो ये थोड़ा सा हॉट रहेगा तो इसको हम लोग कुछ भी से पकड़ के इसको हम लोग यहाँ से ला सकते हैं. और इसको कूल करने के बाद, ये कूल होने के बाद में इसको हम लोग फिर से पूरा फ्लास्क को खोल के और उसके अंदर का जो आरपीडी हो या डेंचर हो वो डी फ्लास्क करके उसको निकाल लेंगे. उसके बाद वो निकालने के बाद में वो रबर फॉर्म में अपना बन के आ जाएगा. अब उसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे उसके बाद. और एक वॉल प्लस का, वॉल प्लस हो या फ्लेक्सिबल का कोई सा भी कार्टेज हो उसको हम लोग पानी में डाल के डेंटिस्ट को देते हैं. कारण ये रहता है कि पानी में वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है और वो उसका ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होते. उसके बाद डेंटिस्ट ना पेशेंट को लगा देता, पेशेंट में ऑलरेडी स्लैबा वगैरह रहते हैं तो वो पेशेंट को कंफर्ट हो जाता है. और ये कार्टेज क्या है ना, ये जो इसका हम लोग बनाते हैं डेंचर या आरपीडी, तो इसको अगर ये वो गिर भी गया, इसका मीन्स एक तरह से ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो अगर जो गिर भी जाए तो वो जल्दी टूटता नहीं. नॉर्मल एक्रेलिक वगैरह रहता है तो वो टूट जाता है तो और ये टूटता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कहलाता है. फ्लेक्सिबल कहलाता है क्योंकि वो गिरेगा भी ना थोड़ा सा वो जंप करेगा क्योंकि वो रबर फॉर्म में ही रहता है तो वो जंप भी करता है. तो इसके लिए इसमें मतलब पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है कि वो ज्यादा टूटता नहीं है. तो डेंटिस्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नई चीज आई है तो आप उसको यूज करो, यूज करें. और ये आप देख रहे होंगे NMD फिर से इसी कंपनी का, ये फ्लेक्सिबल का मशीन है जो इंजेक्ट मोल्डिंग मशीन भी बोलते हैं. तो ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक होल है, ये आप देख लो ये एक होल है. ये होल को हम लोग यहाँ ड्रिल करके और इसको हम लोग ना सपोर्टेड बना सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं ताकि ये हिले ना, जो अभी जैसे मुझे दिखा मूव होते हुए तो ये मूव नहीं करेगा. और क्या है ना, जब हम इसको राउंड अप करेंगे ना तो थोड़ा सा फोर्स के साथ में राउंड अप करते हैं तो ये मूव होता है. तो वो फिक्स अगर जो हो गया तो मूव नहीं होगा. बेसिकली इसका यही फंक्शन है. मैं आपसे छोटा सा एक और पूछना चाहूंगी, ये फ्लास्क आप मुझे क्या ओपन करके दिखा सकते हैं कैसे? हाँ, ये फ्लास्क भी बहुत इजीली ओपन होता है. ये फ्लास्क में आप देखेंगे एलन की इसकी एक रहती है, ये एलन की है. ये हम ऐसा लगाएंगे, ये आप देख सकते हो और इसको हम लोग इजीली मूव करेंगे. ये चार इसका बना हुआ है तो हम लोग ने ओपन किया. लूज किए पहले, अभी ये हम लोगों ने इसको ये निकल गया, ये जॉइंट होता है. ओके, तो ऐसे सब जॉइंट हो जाता है और फिर ये पूरा ओपन हो जाता है. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसका चारों स्क्रू खोल दिया है और ये चार स्क्रू है. अब ये फ्लास्क है, अब ये फ्लास्क को हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं. और ये हमारा फ्लास्क है, ये अंदर का पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन. इसमें हम लोग को ये मिलाने के लिए इसमें एक नौचे जैसा बना हुआ है जो इसमें आप देख सकते हो ये होल है,
इसमें ये लगेगा, मीन्स लगाने का इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें ऐसा लगेगा और इसका ये नॉचेज, ये इसमें भी आप देख रहे हो ये नॉचेज बना हुआ होल है, इसमें ये ऐसा लगे लग जाएगा, ये पूरा फिट हो जाता है, कहीं से गैप नहीं रहती इसमें, इसमें एयर बबल नहीं आते हैं। इसको इतना अच्छा बनाने का मेन रीजन ये है कि इसमें एयर बबल ना आए, एयर बबल अगर जो आएंगे तो हमारा जो आरपीडी हो या डेंजर हो फ्लेक्सिबल का, उसमें पोरोसिटीज आ जाएंगे, तो वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा वो, और वो पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते। इसके लिए इसको इतना मींस बनाया गया है कि पैक रहे, ये थोड़ा बहुत भी इसमें एयर ना जा सके। चलिए और कुछ सवाल पूछ सकते हैं? चलिए इसी बहाने मैं शायद चाहूंगी कि आप एक हम सबको, सब जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हाँ, वो जरूर शायद चाहेंगे कि हमें एक आप बना के भी हमें इसको दिखाइए। हाँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, वो एक आरपीडी या डेंचर का फुल डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसका नोटिफिकेशन बेल जो है आप ऑन कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाइव डेमो का दूं पूरा फुल डेंचर का, तो आप लोग इजीली देख सके। चलेगा, थैंक यू सो मच तस्लीम जी, और आई थिंक सब लोग आपके नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करेंगे, और मैं भी जरूर करूंगी आपका वीडियो का देखने का, तो थैंक यू सो मच।